हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसी और भी वीडियोस बनाने वाला हूं। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डीक टाइटन्स को फिर से शुरू करने के लिए पुराने हेडक्वार्टर्स जाता है जेसन, बीस्ट बॉय और रेचल के साथ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दोस्तों हमें एक विलेन का इंट्रोडक्शन सीन दिखता है जिसका नाम है डॉक्टर लाइट। ये लाइट एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, जिसके थ्रू ये दूसरों के बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करके उन्हें ब्लास्ट करवा सकता है। जेसन टॉड और बीस्ट बॉय दोनों में ट्रेनिंग कर रहे हुए दिखते हैं, और उसी बीच रेचल और डिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें खाना खाने के लिए कहते हैं। सभी लोग जा रहे होते हैं पर जेसन डिक को रोककर उसे पूछता है कि उसे गौथम सिटी कब जाना है, पर डिक उसे बताता है कि बैटमैन को लगता नहीं है कि नया रॉबिन अभी तैयार है। इसी बात पर उनकी छोटी सी बहस हो जाती है और डिक उसे समझाता है कि रॉबिन की ज़्यादा ज़रूरत टाइटन्स में है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसका यूज़ करके वो टाइटन्स को लीड कर सकता है। जेसन मान जाता है और डिक से पूछता है कि अगर रॉबिन जेसन टॉड है तो डिक ग्रेसन क्या है, जिसका जवाब वो नहीं देता। दूसरी तरफ हॉक और डव हमें एक बच्चे को हॉर्स राइडिंग सिखाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और खुश हैं। दूसरी तरफ कोरी और वंडर गर्ल दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, वो एक विलन को पकड़ने के लिए जिस पर वो नज़र रखते हैं, जिसका नाम सिमर है। फिर हमें रेचल के कमरे का सीन दिखता है जहां वो अपने मैकबुक में पढ़ाई करते करते सो जाती है, और उसके बाद उसके अंदर की पावर बाहर आने लगती है, जिसके बीच उसकी नींद टूट जाती है। फिर वो अपने मिरर में जाकर देखती है कि उसके बॉडी पर खरोच के निशान आने लगे हैं। तभी वहाँ बीस्ट बॉय उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। रेचल बीस्ट बॉय को अंदर बुलाती है और उसे अपने साथ हो रहे चीज़ों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बीस्ट बॉय रेचल से कहता है कि उसे डिक को ये सब बता देना चाहिए, पर रेचल उसे मना कर देती है। इसके बाद एक चेस सीन दिखता है जिसमें एक लड़की जिसकी एक आंख पर बैंडेज लगा हुआ होता है, वो एक कार लेकर भाग रही होती है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। रोड के एंड तक पहुंचने के बाद लड़की कार से निकलकर सभी पुलिस वालों से लड़ने लगती है, पर वहाँ और भी पुलिस फोर्स आने लगती है जिसे देखकर वो वहाँ से भागकर दूसरे बिल्डिंग में जंप कर जाती है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है पर वो भागने में कामयाब रहती है। ये सीन न्यूज़ पर चल रहा होता है, जिसे टीवी पर डिक और बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद डिक उस लड़की के पास जाता है उसे अपने साथ हेडक्वार्टर्स लाने। जब डिक उस लड़की के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके हाथ पर चोट लगी है और वो बेहोश है। दूसरी तरफ हॉक की नींद टूटती है और वो देखता है कि डव बेड पर नहीं है, क्योंकि वो कुछ गुंडों को रोकने जाती है जो ड्रग सप्लाई करती है और उन्हें पुलिस के हवाले करने जाती है। डव अपने घर जब वापस आती है तब हॉक उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ वो बच्चा आ जाता है जिन्हें वो हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। अंदर आते ही उसके बॉडी में ग्लो आने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा ब्लास्ट करने वाला होता है। उनका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हॉक डिक को फ़ोन लगाकर उसे बताता है कि डॉक्टर लाइट ही उन पर अटैक किया। डिक उन दोनों को हेडक्वार्टर आने को कहता है। इधर वो लड़की नींद से उठ जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर तब तक वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और उसे बात करने को कहते हैं। उसके हाथ पर जो चोट थी वो भी ठीक हो चुकी थी। डिक उससे पूछता है कि वो कौन है, पर वो बताने से मना कर देती है। बस ये कहती है कि कोई है जो उसे
और उन सबको मार देगा। दूसरी तरफ कोरी और वंडर गर्ल को शिमर दिखती है, वो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद वंडर गर्ल के फ़ोन पर रॉय हार्पर यानी कि रेड एरो का फ़ोन आता है, जिससे बात करने के लिए वो थोड़ी दूर चली जाती है और कोरी आइसक्रीम खाने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ उसे टैमरन मिल जाता और वो कोरी को बेहोश कर उसे वहाँ से वंडर गर्ल के पहुँचने से पहले वहाँ से ले जाता है। डिक उस लड़की से बात करने उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ उसे वो पूछता है कि वो उसके टीम को ज्वाइन करना चाहती है या नहीं। वो डिक को अपना नाम बताती है रोज़। अचानक ही डिक के कार के पीछे से लाइट चमकने लगती है, जिसके बाद वो कार रोककर कार से बाहर निकलते हैं और उनके कार ब्लास्ट कर जाती है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में जेसन टॉड और बीस्ट बॉय दोनों उस लड़की की रियल आइडेंटिटी का पता करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का पूरा नाम रोज़ विल्सन है और ये लड़की डेथ स्ट्रोक की बेटी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि आगे के एपिसोड्स और भी धांसू होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।